अनोखा गिफ्ट। दोस्तों, ये वीडियो हमारी इस कहानी की दूसरी भाग है, तो चलिए कुछ पहली भाग की भी बात कर लेते हैं जिससे कि हमारी पहली कहानी भी समझ में आ जाए। दोस्तों, उस कहानी के अंत में हमने देखा था कि पंकज द्वारा लाया गया शिल्पा को एक गिफ्ट दिया गया था, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि पंकज ने शिल्पा को कैसा गिफ्ट दिया, उस गिफ्ट में शिल्पा को क्या मिला। अनोखा गिफ्ट। शिल्पा सोचने लगी कि जो व्यक्ति मुझे लगातार खरी रोटी सुना रहा है, वो व्यक्ति मेरे लिए कौन सा अनोखा गिफ्ट लेकर आया होगा। पंकज ने उसे एक लिफाफा पकड़ाया। शिल्पा ने उत्सुकता से लिफाफा खोला तो उसमें एक तलाक के कागजात थे। शिल्पा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो पंकज प्यार की बड़ी बड़ी टिंगे हाँकता था, हर परिस्थिति में साथ देने की बात करता था, वो एक बच्चे के लिए उसे तलाक दे रहा है। शिल्पा की आँख के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप पर काबू रख कर तुरंत तलाक के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के दिल में उसके लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं बचा, उस व्यक्ति के साथ रहने में क्या फ़ायदा। दूसरे ही दिन शिल्पा ने वो घर छोड़ दिया। पंकज को उसकी मनमानी मुराद मिल गई। थोड़े ही दिनों में कोशिश करके शिल्पा ने अपना ट्रांसफ़र कंपनी की दूसरी शाखा में करवा दिया, क्योंकि अब पंकज के साथ एक ही ऑफिस में काम करके वो अपने काले अतीत को याद नहीं करना चाहती थी। तलाक के एक महीने बाद ही पंकज ने दूसरी शादी कर ली। साल भर में ही पंकज को एक बेटा होने की खबर शिल्पा को मिली। शिल्पा को नीचा दिखाने के लिए पंकज ने बेटा होने की खुशी में जो पार्टी रखी थी, उसमें उसने शिल्पा को भी निमंत्रण दिया। वो गर्व से शिल्पा को अपना बेटा दिखाना चाहता था। पार्टी में पंकज ने शिल्पा से कहा, देखो, तुमसे तलाक लेने के बाद मेरा निर्णय सही था ना, मैं बाप बन गया हूँ। पापा बनने की बहुत बहुत बधाई पंकज, शिल्पा ने सामान्य रहते हुए जवाब देकर उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, पापा बनने की खुशी में मेरी ओर से एक अनोखा गिफ्ट। अनोखा गिफ्ट शब्द सुनकर पंकज को झटका लगा, क्योंकि सालगिरह पर अनोखा गिफ्ट कहकर पंकज ने शिल्पा को तलाक के कागजात दिए थे। आज शिल्पा उसे क्या अनोखा गिफ्ट दे सकती है, ये सोचते हुए उसने लिफाफा खोला। जैसे ही लिफाफे में रखा कागज को उसने पढ़ा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका खुद का कंट्रोल छूटने लगा। दिसंबर की कड़ाके ठंड में भी वो पसीने से भीग गया। वो पंकज, अब फैसला आपको करना है कि आप किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को अपनाते हो या नहीं। इतना कहकर बिना खाए शिल्पा वहाँ से चली गई। दूसरे दिन पंकज और उसकी माँ दोनों शिल्पा के घर आए। दोनों अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बात कहाँ से शुरू करें ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर पंकज ने ही बात शुरू की। वो मेडिकल रिपोर्ट आपको याद है, हम दोनों ने अपनी मेडिकल जांच करवाई थी, किसी कारणवश आप रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए थे, मैं अकेली ही रिपोर्ट लेने गई थी, हाँ याद है। लेकिन तुमने तो घर आकर बताया था कि कमी तुम में है इस रिपोर्ट में, तो तुमने तब झूठ क्यों बोला था। खुद में कमी ना होते हुए भी इतने साल क्यों तुमने सबके ताने सहे। मैंने भी तुमको बहुत सताया, फिर भी तुम कुछ नहीं बोली, आखिर क्यों शिल्पा। क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, यदि आपको सच्चाई पता चल जाती तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप अंदर ही अंदर टूट जाते। मैं अपने प्यार को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी, मेरा क्या, मुझ में तो ताने सुनने की आदत पड़ गई थी, लेकिन सच बताऊँ मैं सभी के ताने सुनने तैयार थी, लेकिन आपकी चुप्पी, आपके ताने सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जब मैंने तलाक के कागजात दिए थे तब तो तुम सच्चाई बता सकती थी। पंकज, गलती मेरी ही है, मुझे अपने प्यार पर विश्वास था। दुनिया चाहे जो बोले, लेकिन मेरा पंकज कभी मुझे नहीं छोड़ सकता,
इस बात का विश्वास था मुझे, लेकिन जब आपने तलाक के कागजात दिए तो मेरा ये विश्वास टूट गया। जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो आपके साथ रहने में कोई मतलब ही नहीं था, इसीलिए मैंने तुरंत उन कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दो और हमारे साथ अपने घर चलो, शिल्पा की सास ने कहा। शिल्पा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पुरानी बातें सब भूल जाओ, चलो हम फिर से ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, पंकज ने कहा। बात माफ़ करने या ना करने की नहीं है, बात है आत्मसम्मान की। अब यह संभव नहीं हो सकता कि मैं वापस उस घर में कदम रखूं। वैसे भी अगले महीने मेरी शादी है, मैंने तो वो अनोखा गिफ्ट आपको सिर्फ इसीलिए दिया था ताकि देख सकूं कि आप दोनों माँ बेटे किसी दूसरे के खून को अपनाते हो या नहीं। दोस्तों, यही थी हमारी कहानी अनोखा गिफ्ट। ये कहानी आपको कैसा लगा, अपनी राय प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक हमेशा खुश रहिए।